मीन इज 16.6। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ। तो मीन पहले से दिया है, इसमें पी का वैल्यू निकालना जो नहीं दिया हुआ इसका, है ना, वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल्स में, ठीक है। चलिए इसमें मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक्स आई, इसमें आपका एफ आई, और यहाँ पर हो जाएगा एफ आई एक्स आई। चलिए जो जो वैल्यूज दी गई है वो रखते हैं। 8 है, 12 है, 15 है, पी है, 20 है, 25 है और 30 है। यहाँ पर देखिए आपका 12, 16, 20, 24, 16, 8, 4। फिर अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96, ठीक है ना जी। अब 12 में 16 से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 192। फिर उसके बाद 15 में 20 से तो 300, 24 पी, फिर 320, 200 और 120। चलिए अब इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई। चलिए अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या है, 96 है प्लस का 192 है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 288, और फिर प्लस में 300 है, फिर ये पी वाले छोड़ दीजिए, फिर 320 है, ठीक है ना जी, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 320 के बाद आपका है, 320 के बाद और क्या है प्लस में, 200 है, और फिर आपका कितना है, 120 है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 1228 और प्लस में 24p हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो देखिए 12 और 16, तो 12 और 16 हो जाएगा 28, ठीक है, और फिर 20, फिर 48, 24, 72 और फिर 16, 8 और ये 4, सबको ऐड कर देते तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे मीन कितना दिया है भाई, मीन दिया हुआ है 16.6। तो हम लोग मीन के लिए जानते हैं ना जी, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई में सिग्मा एफ आई, ये होता है आई इक्वल टू, चाहते हैं 1 to n, यहाँ भी आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं, इक्वल टू में 16.6। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका है 1228 और प्लस का 24p और बाई में इधर है 100, इक्वल टू में 16.6। चलिए जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1228 प्लस का 24p इक्वल टू में 1660। ये जाकर उधर सबट्रैक्ट करेगा तो 24p इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे कितना है जी, ये आपका 1660 में से सबट्रैक्ट कर देना होगा किसको, 1228 को, तो यहाँ से आ जाएगा 432। तो 432 है, ये ले जाते हैं डिवाइड में, तो 432 में 24 से ना डिवाइड करना है जी, 24 चला जाएगा डिवाइड में, तो p इक्वल टू में 432 और बाई में 24। तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आपका 18 बार में कट देना चाहिए, 18 आ जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ से 18। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ p फॉर विच